हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, मतलब एक से अधिक चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे किसी दिए हुए पॉइंट पर। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3। अब ये मान लीजिए कोई पॉइंट है O, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट से Q1 चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, भाई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अबे होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये वाली, ठीक है, ये E1, ठीक है। अच्छा, माइनस Q2, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से ये जो चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी टूवर्ड्स Q2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा E2। अच्छा, अब Q3 जो है, Q3 की वजह से अगर हमें पॉइंट O पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, मिलाएं ज़रा इससे, ये तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई Q3 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से O पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। हमें जैसा कि पता है प्लस चार्ज अगर हो हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे अवे होती है, और अगर माइनस चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ये E1 और E2 और E3 के वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला, इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर, यही तो हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो थ्योरम है यही तो कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेक्टर सम होगा तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, ठीक है। अब हम आगे इसी तरीके के क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ठीक है। तो ये दो चार्जेस दे रखे हैं, 1 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, इन दोनों चार्ज की वजह से मिड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं निकालना। ये हमने ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पर रख लिया माइनस का 2 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस है पूरी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट पर निकालना है, मान लीजिए मिड पॉइंट ये है, यहाँ पर निकालना है हमें, इस पॉइंट को मान लो आप P, मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस ये हो गई 1 सेंटीमीटर, और ये भी हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक, एक सेकेंड, ये 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब 1 माइक्रोकूलम चार्ज, इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कैसा, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी इस तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक। तो इसकी वजह से डायरेक्शन हम बनाएं तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। ये हो गई E1, इसे 1 चार्ज मान लो, इसे 2 चार्ज मान लो, 2 चार्ज, तो E1 की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, ठीक है, किसकी वजह से, 1 माइक्रो कूलम की वजह से। अब -2 माइक्रो कूलम की वजह से देखें तो P पॉइंट पर -2 माइक्रो कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब ये है नेगेटिव चार्ज से की वजह से कैसे होती है, टूवर्ड्स द चार्ज, तो इसकी वजह से भी कहाँ होगी, इस चार्ज की तरफ होगी। भाई ये था पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर किस तरफ थी, इस तरफ, क्योंकि ये होता है अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो होती है टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज की तरफ होगी, यानी इसकी डायरेक्शन भी कैसे आ जाएगी, इधर आ जाएगी, यानी E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। हम सिंपली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इनका वेक्टर सम ले लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका E1 प्लस E2, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 πε0
और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या यूँ कहें इसे हम कह देते हैं के के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इवन इवन आएगा के क्यू क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, के अपॉन आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है क्योंकि 1 सेंटीमीटर डायरेक्शन यहाँ भी सॉरी डिस्टेंस और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है। के अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन लो, क्यू वन 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁶ कितना रख दें 6 कूलम प्लस ये हो गया 2 × 10⁻⁶। ठीक है, डायरेक्शन हम पहले से ही ले चुके हैं, डायरेक्शन पहले से ले चुके हैं तो हम यहाँ पर साइन के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दें इसमें, इस तरीके क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्शन पहले से ले चुके हैं तो साइन आप नहीं रखेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 10⁻⁶ कॉमन और के की वैल्यू लगा दीजिए 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ और ये 10⁻⁶ आ गया। अच्छा, आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है 1 सेंटीमीटर तो 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे 10⁻²² का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, और ये हो गया आपका, ये हो गया 1 और +2 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 27 × 10⁻⁹ 3 हो गया ये 3 और ये हो गया 2 × 4 10⁻⁴ यानी कि ये हो जाएगा 27 × 10⁷ या फिर 2.7 × 10⁸ और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी भाई इसकी, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। अगर हमसे कोई डायरेक्शन पूछेगा इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज -2 माइक्रोकूलाम अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस टुवार्ड्स -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो डायरेक्शन लिख दीजिए इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, टुवार्ड्स -2 माइक्रोकूलाम अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, सिंपली क्या पूछा था, इससे आपको सुपरपोजिशन का आइडिया हो जाएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम का आइडिया हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और हमसे पूछा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना होगा, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसकी वजह से ये चार्ज प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। चलिए शुरू करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, ए दे रखी है। ठीक है, चलिए प्लस क्यू चार्ज है, अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यानी कि ए पॉइंट पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है, ये हो गई ई प्लस क्यू से 1 चार्ज मान लीजिए या बी मान लीजिए इसे ई बी। ठीक है, ये हो गया ई बी और ये माइनस क्यू वाला चार्ज है, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, चार्ज की तरफ यानी इस तरफ हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन आ गई आपकी ये इस तरफ। ठीक है, ये कौन सा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई सी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सी, सही है। अच्छा, अब चलिए कैलकुलेट करते हैं ई बी और ई सी को, तो भाई ई बी कितना होगा, ई बी है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया और ई सी कितना आएगा, आर की जगह ये लगा दीजिए डिस्टेंस, के क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ई ए कितना होगा, ठीक है सॉरी ए ई ए नहीं ई सी, ए पर तो निकालना है ई सी। ठीक है, ई सी कितना होगा, के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, यानी दोनों की जगह सेम है तो हम इसे ई मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फिर से मैंने माइनस नहीं लिया है क्योंकि ये माइनस अगर ले लेता हूँ उसमें तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, उल्टी, जो हमने अगर डायरेक्शन ले ली तो हमें चार्ज का साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब
हमें दिख रहा है ये ई बी चार्ज इस डायरेक्शन में है, ई सी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम नेट चार्ज निकालने जा रहे हैं। तो नेट चार्ज कैसा होता है? नेट चार्ज होता है ई नेट, नेट चार्ज नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर। तो ई बी और ई सी, ई बी और ई सी हैं, इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? तो इनका रिजल्टेंट होगा ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे भाई? ई बी और ई सी बराबर है मैग्नीट्यूड में। अब ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये एंगल कितना हो गया? 60 हो गया, ये भी 60, ठीक है, ये भी हो गया 60। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? ये भाई पूरा 180 हुआ, ये पूरा 180 है, तो ये कितना रह गया? ये रह गया 120, यानी कि ये एंगल कितना है? 120। तो भाई दो फोर्स आपके, एक कितना? ई बी और ये ई सी, ई बी और ई सी लग रहे हैं 120 एंगल पर। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट हमने बताया था अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर और 2 ई बी ई सी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा की जगह क्या लगा दोगे? कॉस 120 है, लगा दो ई बी ई सी कॉस 120, ठीक। कितना आएगा? ई बी और ई सी बराबर है, ई स्क्वायर रख दीजिए, ई स्क्वायर और ये हो गया 2 ई स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया आपका 2 ई स्क्वायर और ये माइनस का ई स्क्वायर हो गया, यानी कि आ गया आपका 2 में से गया 1 ई आ गया, ठीक है। यानी ई नेट जो था आपका वो आ गया ई के बराबर। अब ई कितना है? ई निकाल लीजिए, ई है आपका के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू दे नहीं रखी है इसमें, वैसे तो हमें पता है क्यू क्यू दे रखा है और एक ए ही दे रखा है, तो यानी कितना आ गया? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये रिजल्टेंट जो निकाला है हमने, इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन टुवार्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यू चार्ज इस दिशा में, यहाँ से इसी दिशा में होगी और अलोंग द लाइन जॉइनिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यानी ये जो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू इसी दिशा में है, किसकी तरफ? माइनस क्यू की तरफ, ठीक है, ठीक। तो इसकी हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर हमारे प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, तीन कॉर्नर पर रखे हुए हैं एक्चुअली, चौथा कॉर्नर हमारा ये सी है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो चलिए प्लस क्यू चार्ज ये जो बी पर रखा हुआ है इसकी वजह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वजह से किस तरफ होगी? डायरेक्शन होगी भाई अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो ये इधर आ गई, ठीक है। अच्छा, ये हो गई किसकी वजह से? ये आ गई ई बी, ठीक है। डी पर जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, इसकी वजह से होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, फिर से इधर आ गई, ये हो गया आपका ई डी, ठीक। अच्छा, ए पर जो चार्ज है इसकी वजह से, इसकी वजह से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी, ये भी अभी फ्रॉम द चार्ज होगी, ये आ जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गया ई ए, ठीक है। यानी कि तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है पॉइंट सी पर, ठीक। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ई ए, ई ए, ई ए कैसे निकालेंगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर कितना है यहाँ पर? आर होगा आपका ये डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। ये कितना है? ये ए है और ये ए है, तो ये कितना आएगा? पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि हो गया ये ए अंडर रूट टू, ये आ गया ए अंडर रूट टू, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ए रूट टू का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारा के क्यू टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी, ठीक है, ई डी, यानी प्लस क्यू चार्ज जो रखा है डी पर, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, ठीक। तो इसमें आ गया के क्यू अपॉन
ए स्क्वायर, सिंपल है क्योंकि ए डिस्टेंस है, ऐसे ही आ जाएगा सेम बी की वजह से, ई वी बी पर जो चार्ज रखा हुआ है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब ई डी और ई वी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये किसकी वजह से है, डी और बी की वजह से, इन दोनों की जो डायरेक्शन है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है कैसा है, दोनों इक्वल चार्ज हैं पहले तो, सॉरी दोनों इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 होगा, ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बराबर है, तो यानी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं, ये हमारा ये हो जाएगा रिजल्टेंट इनका, ई आर मान लीजिए, चलिए ठीक है, ई आर कितना आता है, ई आर इक्वल टू ई बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, और ये हो गया टू ई बी ई डी कॉस थीटा, कॉस ई डी है, कॉस थीटा क्यों, कॉस ये हो गया 90 है, कॉस 90, ठीक है, तो ई बी स्क्वायर दोनों बराबर हैं, भाई यहाँ से दिख रहा है हमें ई डी और ई बी दोनों बराबर हैं, ई मान लीजिए दोनों को, ठीक है, ई स्क्वायर ये भी ई स्क्वायर, और कॉस 90 जीरो होता है तो ये तो जीरो हो गया, यानी हमारा कितना आ गया, टू ई स्क्वायर आ गया, यानी कि ई रूट टू आ गया, ये ई आर हमारा। ठीक, तो हम देख रहे हैं ये जो ए सी की डायरेक्शन है, यानी कि जो डायगोनल है इसका स्क्वायर का, इस डायरेक्शन में है दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई आर, ठीक है, और ई ए, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ई ए कितना था, ये था आपका, ये था के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर, और ई आर कितना है, ई इंटू रूट टू, ई हम निकाले थे पहले, के क्यू ए स्क्वायर, ठीक है, और रूट टू और है तो रूट टू ही आ गया। ठीक, अब हमारे पास ई आर भी है और ई ए भी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर। ठीक, और डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्यू, ठीक है, एंड प्लस क्यू नहीं, हम ऐसे कैसे, अलॉन्ग द लाइन ए सी, अलॉन्ग द डायगोनल ए सी। ठीक है, तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा ई ए, वेक्टर सम किसका, ई ए का और ई आर का, कितना हो गया, के क्यू रूट टू ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर। अब ये के क्यू और ए स्क्वायर कॉमन, रूट टू प्लस वन अपॉन टू, और डायरेक्शन अलोंग द लाइन और डायगोनल ए सी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये जो है ये, सॉरी ये, ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है, तो इसी तरीके के और एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, सवाल निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक, जिसमें कि चार्ज आपके दे रखे हैं और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछा हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे।